के तमाम पुराने साथी, अपना दल के तमाम पदाधिकारी, संचालक महोदय और मेरे सामने बैठे इस इलाके के तमाम बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मैं आप सबकी खिदमत में अपना सलाम पेश करता हूँ। आज आपके बीच में अगर आपका ये बेटा, आपका ये भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अपने नाजुक कंधों में लेके आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे तमाम मजबूरियां हैं जिनको आप बखूबी जानते हैं। तमाम सरकारों ने लगातार मेरे अब्बा को, आपके महबूब नेता को परेशान करने की, उनको हम सब से दूर रखने की और उनको हमेशा दबाने की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की है। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने वालिद को हमेशा जेल की सलाखों के पीछे कभी पाया, बाहर निकले तो उनको हर तरीके से परेशान करके दोबारा जेल की सलाखों के पीछे डालने की कोशिशें लगातार इस सरकारें करती रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और चाहे वो पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार हो। आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वजह है कि एक आदमी को लगातार 30 साल से ये सरकारें जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहती है? क्या वजह है कि उसके परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है? क्या वजह है कि मेरी माँ, जो मेरे चार छोटे भाइयों के घर में छोड़ के यहां आपके बीच आज बैठी है? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। आज हम पे तमाम आरोप लग रहे हैं, मेरे वालिद पे आरोप लग रहे हैं कि वो फिरकेपरस्त ताकतों से समझौता कर रहे हैं। आप लोग इस बात के गवाह हैं कि जब से मेरे वालिद ने अपना सियासी सफर शुरू किया है, उन्होंने हमेशा इलाहाबाद मंडल में और अगल बगल जहां कहीं भी जरूरत पड़ी है, फिरकेपरस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए जो मुमकिन हो सका है वो कदम उठाए हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं अपनी आवाज बुलंद करूंगा और फिरकेपरस्त ताकतों को हराने के लिए जी जान से जुट जाऊंगा तो उसके लिए मुझे किन कीमतों को उससे गुजरना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या दिन देखने पड़ेंगे, उन्होंने कभी उस चीज की परवाह नहीं की। तमाम मीडिया के साथी यहां मौजूद हैं, मुझसे सवाल पूछा जाता है कि आप एक बाहुबली के बेटे हैं, कैसा लगता है आपको एक बाहुबली का बेटा होना? बहुत अच्छा लगता है। मैं उनको एक जवाब देता हूं बड़ा मुस्कुराकर कि जो काम मेरे वालिद साहब ने अपना राजनीतिक सफर शुरू करने से पहले से करते आ रहे हैं, वो काम था तमाम गरीबों का, मजलूमों का और हर वर्ग के सताए हुए लोगों का दर्द सुनना, हर वर्ग के सताए हुए लोगों का दर्द सब सुनकर जिस हद तक भी जाना पड़े उस हद तक जाकर उनकी मदद करना। ये काम किसी बाहुबली का नहीं है, ये काम किसी माफिया का नहीं है, ये काम एक नेता का है और ये सरकारें हम लोगों को सांसद को बनते देख लेंगी, विधायक को बनते देख लेंगी, लेकिन ये कभी आपको एक नेता बनने नहीं देना चाहती है, इस बात को याद रखिएगा पीएफ, क्योंकि अगर आपने एक नेता अपना बना लिया और उसकी आवाज में वो ताकत दे दी जो वक्त और हालात की जरूरत है तो वो आपकी बात को न सिर्फ लखनऊ तक बल्कि दिल्ली तक इतनी मजबूती से रखेगा कि इनको आपका हक दिलाने पर मजबूर कर देगा और ये आपको अपना आपका हक न कभी देना चाहिए और न आज तक देना चाहती है। आपको अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। हमने हमेशा दूसरों को गद्दी पे बैठाने का काम किया है, आज का तो जरूरत है तो क्या ये तमाम लोग जो दावा करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना चाहते हैं, वो आगे आके मेरे वालिद साहब का जो लगातार 30 साल से उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं उनका समर्थन नहीं कर सकते हैं? क्यों ये घोखना चाहते हैं फिरकेपरस्त ताकतों को शिकस्त देने का जबकि इनकी खुद की इतनी जांच चल रही है कि इनसे मिली भगत के शिकार है? ये ढोंग है इनका, आप इनको पहचानिए, अपने आप को मजबूत करिए। अभी मैं रास्ते में था,
सुराव से निकला था आप सबके बीच हाजिर होने के लिए, तो मुझे खबर मिली कि एक गठबंधन हो गया है। मैंने अल्लाह का सबसे पहले शुक्रिया अदा किया। मैंने दिल में सोचा कि यह हमारी और आपकी पहली जीत है। आपके इस 19 साल के बेटे से, आपके इस भाई से इतना डर गए हैं ये लोग कि पूरी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद सबको यहाँ पे भेज दिया गया है। किससे लड़ने के लिए? आपकी बेटी से, आपके बहू से और आपके बेटे से लड़ने के लिए भेजा गया है। आपको आज हम लोगों का साथ देना पड़ेगा। ये लड़ाई 8 महीने के लिए सांसद बनने की नहीं है। आप लोगों ने अपा को 5 मरतबा विधायक बनाया, इसी फूलपुर की सरजमीन से सांसद बनाया। आप लोगों का करम और एहसान है कि आज वो जहां भी जाते हैं उन्हें लोग सांसद जी कहकर ही बुलाते हैं। वो सांसद और विधायक बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई किसी के घमंड और तकब्बुर की और हमारी और आपके वकार और वजूद की लड़ाई है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा बुजुर्गों। हम पे यह आरोप लगाया जा रहा है कि हम फिरकापरस्त ताकतों से मिल गए हैं। अगर हम फिरकापरस्त ताकतों से मिल गए होते तो हम आज इतनी परेशानियों के शिकार न होते। आज हमारे वालिद साहब जो कि 350 किलोमीटर दूर देवरिया जेल में बंद है, वो वहां कैद काल कोठरी में परेशान न हो रहे होते। सुप्रीम कोर्ट ये जवाब मांग रहा है आज की भाजपा सरकार से कि क्यों एक आदमी को जिसके सारे मुकदमे इलाहाबाद मंडल में है उसको 350 किलोमीटर दूर रखा जा रहा है। ये सवाल आप लोग अपने आप से पूछिए, क्या ऐसी वजह है? वजह मैं बताता हूं। जब से मेरे वालिद साहब ने अपना सियासी सफर शुरू किया तब से लेकर आज तक उन्होंने इलाहाबाद और आसपास के जिलों में सांप्रदायिक दंगे नहीं होने दिए। दंगे होते हैं तो नुकसान हर वर्ग का, हर जाति का, हर समुदाय का होता है। दंगे होते हैं तो लोग कारोबार में पिछड़ जाते हैं, कामयाबी की ओर अपना कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। लिहाजा उन्होंने आप सबकी मोहब्बतों और दुआओं से जो दंगे न होने का काम किया है इस इलाहाबाद मंडल में, वो भारतीय जनता पार्टी और ये तमाम सरकारें बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो हमको और आपको बांट के राजनीति करना चाहती है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा श्री कृष्णा पटेल जी का और अपना दल का जो आज इस वक्त हम लोगों के साथ खड़े हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने उस वक्त सोनेलाल पटेल जी का साथ दिया था जब ये तमाम ताकतें मिलकर उनको खत्म करने की साजिशें रच रही थी। मैं फिर से आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसी अपील के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा बुजुर्गों और मेरे भाइयों कि आप अपने इस बच्चे की, अपने इस बेटे की ख्याल रखिएगा। आपके हाथों में मेरे वालिद साहब ने मुझे और मेरी माँ को सौंप दिया है। अब मेरी और मेरे माँ की जिम्मेदारी आपकी है। आप ख्याल रखिएगा अपने इस बेटे का। एक एक आदमी को आने वाली 11 तारीख को खुद अधिक अहमद बन के निकल जाना है। मैं जानता हूं कि आप लोग में इतनी सलाहियत है कि अगर आप चाहेंगे तो इतनी जिदारी से एक एक वोट निकलवा के हर घर से पर वोटिंग का परसेंटेज इतना बढ़ा देंगे कि फिर हमें इंशाअल्लाह किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम एक हो गए तो हम सबके लिए काफी है। टेलीविजन के निशान पे इतनी बटन दबा दीजिएगा कि ये संदेशा दिल्ली तक चला जाए कि अब अकलियत के लोग, गरीब दलित लोग, पिछड़े लोग किसी की बातों में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने अपना एक हबीब चुन लिया है जो उनकी बात को दिल्ली तक रखेगा। अब दबाने की साजिश नाकाम होने वाली है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब